के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु कर्ज बीमारी तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक विशेष प्रयोग की चर्चा करेंगे और जो वो प्रयोग है वो है कौड़ी। कौड़ी जो समुद्र में पाई जाती है उसको अगर विशेष विधि से प्रयोग किया जाए तो उसके आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। कौड़ी का उपयोग सनातन काल से ही किया जा रहा है। प्राचीन समय से ही ऋषि मुनि साधु संत बहुत पहले से करते आ रहे हैं। कौड़ी के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है, कौड़ी के द्वारा धन प्राप्ति के प्रयोग किए जाते हैं, कौड़ी के द्वारा नकारात्मक ऊर्जा को निकालने के प्रयोग किए जाते हैं, कौड़ी के द्वारा शत्रु को शांत किया जाता है, कौड़ी के द्वारा बिजनेस को बढ़ाया जाता है, कौड़ी के द्वारा हम अपने नौकरी में सफलता प्राप्त करने का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। कहने मतलब कौड़ी के बहुत से उपयोग हैं। और कौड़ी जो होती है अलग अलग रंग की भी होती है। काली कौड़ी होती है, सफ़ेद कौड़ी होती है, पीली कौड़ी होती है। तो आज हम पीली कौड़ी की चर्चा करने जा रहे हैं, येलो कौड़ी। पीली कौड़ी जो होती है साक्षात माता लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है और उसके साथ में भगवान गणेश स्वतः स्थापित हो जाते हैं। यानी पीली कौड़ी, भगवान गणेश और सरस्वती का वास होता है पीली कौड़ी में। इनका उपयोग अगर विशेष पद्धति से करें तो उसका लाभ 10 गुना ज्यादा मिलता है। कहने का अर्थ है सिर्फ आप पीली कौड़ी ले लें और रख लें तो कोई फायदा नहीं होता। पीली कौड़ी लेकर क्या करें ये अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है। उसका अगर प्रयोग आपको आता है तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, नहीं तो वो शून्य, उसका कोई फायदा नहीं मिलता। तो आज हम पीली कौड़ी के उपयोग की चर्चा करें। उपयोग की बात करते हैं तो जिससे मैंने कहा ये साक्षात गणेश और लक्ष्मी का वास इसमें माना जाता है। तो इसमें आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, दिमाग में बिजनेस को बढ़ाने के लिए, धंधे को बढ़ाने के लिए नए नए आइडियाज आते हैं। ये कौड़ी को अगर आप अपने दुकान में गल्ले में रख दें, ये कौड़ी को आप अगर अपने तिजोरी में रख दें तो कहा जाता है तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी, आपका दुकान का गल्ला कभी भी खाली नहीं रहेगा, भरा रहेगा, ये माना जाता है। लेकिन सवाल कौड़ी को रखने से कुछ नहीं होता, यानी आपने कौड़ी को रख दिया इससे कुछ नहीं होने वाला। कौड़ी को कुछ खास प्रयोग करके करें, यानी आप अपनी मेहनत तो कर ही रहे हैं, दुकान बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दुकान में धंधा हो इसका प्रयत्न कर ही रहे हैं, लेकिन अगर इसके साथ में आध्यात्मिक सपोर्ट भी करें तो बहुत फायदा मिलता है। तो कौड़ी का विशेष प्रकार का प्रयोग है। ये प्रयोग करके अगर इस कौड़ी को अपने तिजोरी में, अपने गले में रखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे माता की कृपा आपके ऊपर बनी है। क्या करें, ढीले ढाले वस्त्र पहन कर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन में नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी में या सोफे में शांत होकर बैठ जाएं। अपने सामने लाल कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर भगवान गणेश और लक्ष्मी का चित्र आता है उनका फोटो फ्रेम बना के आप रख लें और सामने 3 कौड़ी, आप 3 की संख्या में रख सकते हैं, 3 कौड़ी या 6 कौड़ी। तो आप सामने 6 कौड़ी रख लें। 6 कौड़ी रखने के बाद सेम तरीके से सुखड़ी मुद्रा लगाएं, दोनों आंखों के बीच में ध्यान दें और ध्यान देते हुए आप प्राणायाम का अभ्यास करें, यानी जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। मैंने बार बार आपको कहता हूँ प्राणायाम इसलिए किया जाता है, कोई भी ध्यान साधना व्रत उपवास आप करते हैं
सवाल मैं बता रहा हूं वो नहीं, कोई भी, तो पहले 10 बार पहले प्राणायाम करें। आप आसन में बैठे, बैठते ही 10 बार आप प्राणायाम करें। इससे ये होता है कि मन आपका संतुलित हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन में जो तनाव, विवाद, टेंशन, ये जो चीजें होती हैं ये कम हो जाता है। मन शांत होगा तो आपका पूजा पाठ ध्यान में मन लगेगा। इसके लिए 10 बार आपको प्राणायाम करना है, ये मुद्रा लगाएं, 10 बार प्राणायाम करें, और ये प्राणायाम करने के बाद वापस से ये मुद्रा लगाएं। आप देख रहे हैं इसे लक्ष्मी का मुद्रा कहा गया है, गोपनीय लक्ष्मी मुद्रा। इसको इस तरीके से हाथ रखें और एक मंत्र है उसका आपको जाप करना है, और जो मंत्र है ओम ऐं श्रीं वोसठ, ओम ऐं श्रीं वोसठ, ओम ऐं श्रीं वोसठ, ओम ऐं श्रीं वोसठ, ओम ऐं श्रीं वोसठ। मैं एक बार फिर से मंत्र को रिपीट करता हूँ, ओम ऐं श्रीं वोसठ, ओम ऐं श्रीं वोसठ। इसमें जो ऐं है ये माता सरस्वती का बीज मंत्र है, श्रीं है ये माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, और जो वोसठ है ये आकर्षण बीज मंत्र है। वोसठ को कहते हैं आकर्षण, यानी स्थापना करने का बीज मंत्र कहा जाता है। तो ओम ऐं श्रीं वोसठ, ओम ऐं श्रीं वोसठ, ओम ऐं श्रीं वोसठ। जब ये अभ्यास करते हैं तो माता लक्ष्मी की स्थापना उस जगह पर, उस कौड़ी में हो जाती है। माता लक्ष्मी की स्थापना उस जगह पर हो जाती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसको एक माला, दो माला, तीन माला, जितना हो सके कम से कम एक माला, यानी कम से कम एक माला, यानी 108 बार। इसमें किसी भी माला की जरूरत नहीं है कि आप कहें कि आपके पास रुद्राक्ष माला है, स्फटिक माला है, आप चाहें तो करें, लेकिन जरूरत नहीं है। आप मुद्रा लगाएं और मुद्रा लगा के, ये बहुत छोटा मंत्र है, ये मंत्र का आप जाप करें बस, और कुछ नहीं। एक माला, दो माला मंत्र का जाप करें, और ज्यादा कर सकते हैं तो करें। जाप करने के बाद आपको मंत्र गिनने की भी जरूरत नहीं है, याद रखें। तो ये मुद्रा, लक्ष्मी मुद्रा लगाना है, ये लक्ष्मी मुद्रा लगा के फिर ये एक माला, दो माला, तीन माला, जितना भी आप जप कर सकते हैं, और ये करने के बाद आप किसी को फल या भोजन दान कर दें। पैसे दान न करें, पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में आप दान कर दें। इसके बाद आप वो जो कौड़ी लें, कौड़ी को आप अपने घर के, घर में तिजोरी है, तिजोरी में रख दें। आपके दुकान में कोई तिजोरी है तो उसमें रख दें, या आपका दुकान है, गल्ला है, तो उस गल्ले में तीन कौड़ी को रख दें। यानी याद रखें, तीन कौड़ी रखना है। हम कह सकते हैं तीन कौड़ी आपके जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। आप ये सोचते हैं कि ये क्या बचकानी बातें हैं, लेकिन आपको पता नहीं हजारों लोग इसका उपयोग करते हैं, लेकिन कोई अगर उपयोग करता है तो क्या आपको बताएगा कि मैं ये उपयोग कर रहा हूं, मैं ये प्रयोग कर रहा हूं? लोग करते हैं। तो ये तीन कौड़ी आप अपने तिजोरी में रखें, तीन कौड़ी आप अपने गले में रखें। आप महसूस करेंगे कि तिजोरी पे आप किसी की नजर नहीं लग पाती, धन आबद्ध होता है। धन आबद्ध का मतलब है धन में रुकावट आती है, धन रुकता है, धन खर्च नहीं होता, यानी उसमें बढ़ेगा, बढ़ोतरी होगी। इस तरीके से गल्ले में रखते हैं तो ये माना जाता है कि आपका गल्ला कभी खाली नहीं रहेगा। ये प्रयोग लोग करते ही हैं, सिर्फ आपको पता नहीं। कहने का अर्थ है ये एक बार करें, इसके अनुभव जान के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लेकिन आप सिंपल कौड़ी लेकर रख दें कोई फायदा नहीं। याद रखें पीली कौड़ी, येल्लो कौड़ी होनी चाहिए, वो उसकी स्थापना आप कर दें, और कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो पीली कौड़ी होती है एक तांबे के कटोरी में तीन कौड़ी रख देते हैं और उसको अपने गले में रख देते हैं बस। इस तरीके से, या तांबे के कटोरी में तीन कौड़ी रख के अपनी तिजोरी में रख देते हैं। इस तरीके से आप करें और देखें इसके आश्चर्यजनक अनुभव को, बेहिसाब लाभ मिलता है। इसको किसी भी शुक्रवार को, रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र और पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। ये एक दिन का प्रयोग है, सिर्फ एक दिन का प्रयोग है, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अपने सामने माता गणेश और लक्ष्मी की एक फोटो रखें, उनके सामने कौड़ी रखें, छह कौड़ी रखें। छह कौड़ी रखने के बाद पहले आप 10 बार प्राणायाम कर लें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद आप विशिष्ट लक्ष्मी मुद्रा लगाएं। लक्ष्मी मुद्रा लगाने के बाद जो विशिष्ट मंत्र है ओम ऐं श्रीं वोसठ, ओम ऐं श्रीं वोसठ, ओम ऐं श्रीं वोसठ,
ये मंत्र का जाप करें और ये मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फलीय भोजन का दान कर दें। उसके बाद उनमें से 3 कौड़ी आप अपने तिजोरी में रखें, 3 कौड़ी आप अपने दुकान गल्ले में रखें बस। तो आप ऐसा करें और खुद अनुभव देखें। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद करें। धन्यवाद।